कभी अगर ऐसा हो जाए कि आप अपने पीरियड्स में हैं तो मंडे को शैम्पू करने के लिए माँ या दादी स्ट्रिक्टली मना कर देती है, ये कहकर कि शिव जी की पूजा के 108 दिए बुझ जाएंगे। और फिर आप ये सोचने लगते हैं कि इतने तो हमने आज तक जलाए भी नहीं थे। या फिर कभी ये कहा जाता है कि गलती से भी थर्सडे के दिन अगर पीरियड्स के दौरान आपने शैम्पू कर लिया तो पाप की जो पोटली आपके सर पे फूटने वाली है उसका हिसाब करते करते आपकी उम्र निकल जाएगी। तो मन में ख्याल आता है कि हेयर वॉश को लेकर पीरियड्स के दौरान भी इतने तरह तरह के नियम कानून क्यों बांधे जाते हैं, नहीं सोचा तो चलिए साथ में सोचते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव सिटीज के खास कार्यक्रम ज्ञान अड्डा में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज ज्ञान अड्डा में हम ये जानने वाले हैं कि पीरियड्स के दौरान बाल धोने के लिए डेज क्यों फिक्स किए जाते हैं, क्यों कहा जाता है हमेशा कि पीरियड्स के अर्ली दिनों में महिलाओं को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। अब ये क्यों होता है उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसे जोड़कर बोली जाती है। अक्सर ये कहा जाता है कि अगर आप अपने पीरियड्स के शुरुआती दिनों में यानी कि फर्स्ट या सेकेंड डे के दौरान अगर हेयर वॉश ले लेते हैं तो आपकी तबीयत बहुत बुरे तरीके से खराब हो सकती है, आपके स्वास्थ्य के लिए वो काफी ज्यादा हानिकारक साबित हो सकता है। तो वहीं जब इसे धार्मिक तरीके से जोड़कर देखा जाता है तो ये कहा जाता है कि सोमवार को तो भूल कर भी बाल नहीं धोने चाहिए, खास तौर पर अगर आपका फर्स्ट सेकेंड या थर्ड डे है तो। और साथ ही साथ थर्सडे के लिए भी मनाई की जाती है कि थर्सडे को भी पीरियड्स के दौरान अपने बाल नहीं धोने चाहिए, नहीं तो बृहस्पति भगवान बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। हमने एक वीडियो इस चीज पर भी की है कि बृहस्पतिवार के दिन कुंवारी लड़कियां जब अपने बाल धोती है तो उन्हें अच्छा पति क्यों मिलता है, वो वीडियो आप अलग से देख सकते हैं। लेकिन पीरियड्स के दौरान इन दिनों बाल धोने के लिए क्यों मना किया जाता है तो आपको ले चलते हैं उन दिनों जब महिलाएं नदियों में स्नान किया करती थी। जो है आपको याद ही होगा पहले के जमाने में महिलाएं पुरुष हर कोई नदी में ही स्नान करने के लिए जाते थे। जब नदी में स्नान करने के लिए महिलाएं पहुंचती थी तब नदी के शुद्ध पानी से पूजा पाठ इत्यादि बहुत सारी चीजों का काम होता था। साथ ही साथ नहाने के दौरान बहुत सारे मंत्र का उच्चारण भी किया जाता था और ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो कि पूजा पाठ से जुड़ जाती थी। इसीलिए महिलाओं को ना केवल बाल धोने के लिए बल्कि पीरियड्स के दिनों में पूरे तरीके से नदी में नहाने के लिए भी मना कर दिया जाता था। अब ये तो हो गई धर्म की बात, लेकिन इसके पीछे क्या साइंस था ये आपका जानना बेहद जरूरी है। ये है कि अगर बहुत ज्यादा ठंडे पानी में महिलाएं खड़ी रहती बहुत देर तक तब उनके बॉडी में ब्लड फ्लो नेचुरली स्लो हो जाता। अगर ये चीज होती तो वो यूटेरस में से जो ब्लड फ्लो होता है मेंस्ट्रुएशन के दौरान उस पर भी इफेक्ट करता। अगर वहां ब्लड फ्लो धीमा हो जाता है तो फिर यूटेरस में स्वेलिंग हो सकती है जो कि आगे जाकर फर्टिलिटी को बुरे तरीके से प्रभावित कर सकती है, महिलाओं की फर्टिलिटी में दिक्कत डाल सकती है जो कि बाद में यूटेरस से जुड़ी गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकता है। इसीलिए महिलाओं को नदी में स्नान करने के लिए मना किया जाता था ताकि ऐसी कोई दिक्कत का उन्हें सामना ना करना पड़े। लेकिन बाकी के सारे जितने भी आज अंधविश्वास फॉलो किए जाते हैं इस चीज को तो लोग लेकर आगे बढ़ चले, लेकिन इसके पीछे का क्या सटीक लॉजिक था लोगों ने उसे बिल्कुल पूरे तरीके से भुला दिया। इसीलिए बात इस चीज की नहीं थी कि आप सोमवार को या बृहस्पतिवार को या बुधवार को अपने बाल ना धोएं, बल्कि बात इस चीज की थी कि पीरियड्स के दौरान आप नहाने को ही पूरे तरीके से अवॉइड करें ताकि आपका जो बॉडी का ब्लड फ्लो है ठंडे पानी की वजह से धीमा ना हो जाए और जो गंभीर बीमारियां हो सकती है यूटेरस में ब्लड क्लॉट होने की वजह से वो चीजों का सामना आपको बिल्कुल भी ना करना पड़े। तो ये था एक्चुअल लॉजिक अब हेयर वॉश ना करने के पीछे का, साथ ही साथ क्यों नहाने के लिए मना किया जाता था उसके पीछे का। लेकिन आज की तारीख में चीजें बिल्कुल बेतुकी हो चुकी है। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में आप हमें यह भी बता सकते हैं कि ज्ञान अड्डा में आप और किन मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं, साथ ही साथ ये वीडियो कैसी लगी वो भी हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। धन्यवाद।